हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, डुगाटी ने 2 नवंबर को इंडिया में एक न्यू बाइक को लॉन्च किया है, जिसका नाम डुगाटी मल्टी स्ट्रेटा 950S है। ये डुगाटी की थर्ड BS6 कंप्लेंट बाइक है पानीगेल V2 एंड द स्क्लेमर 1100 के बाद। तो इस बाइक के सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले इस बाइक के लुक की बात करें तो ये बाइक एक मस्कुलर बल्कि टाइप का देखने में लगता है। ये एक नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर टूरिंग बाइक है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में एडवेंचर और टूरिंग का क्रेज कितना बढ़ गया है, तो इसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए सारी टू व्हीलर कंपनी टूरिंग बाइक को लॉन्च कर रही है। डुगाटी मल्टी स्ट्रेटा 950S का फ्रंट लुक काफ़ी ब्रॉड है और इसके लाइट के निचले हिस्से वाले पार्ट्स का डिज़ाइन किसी बर्ड की चोंच की तरह देखने में लगता है। अगर इसके इंजन की बात करें तो आपको इस बाइक में 937cc का 4-valve लिक्विड कूल ट्विन सिलेंडर का इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 9000 RPM पे 114 PS का पावर मिल जाता है और 7750 RPM पे 96 Nm का टॉर्क मिल जाता है। आपको इस बाइक में 6-speed गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में स्लीपर क्लच भी दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो आपको इस बाइक में बेसिक 4 राइडिंग मोड देखने को मिल जाएगा, स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन एंड इंडोर, जिसमें आप अपने हिसाब से इसके पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो इसमें 400 तरीके से आप अपना राइडिंग पोजीशन को सेट कर सकते हैं। डुगाटी की तरफ से ही इसमें डुगाटी की ही 48mm का सेमी एक्टिव स्काई हुक USD सस्पेंशन लगा हुआ है, जिसको राइडर एडजस्ट भी कर सकता है। 5x हार्डर से लेकर 5x सॉफ्टर तक भी आप कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें कमाल का आपको मिल जाता है कि आप इसके सस्पेंशन को इलेक्ट्रॉनिकली ही एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब आप इसके सस्पेंशन को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेफ्ट साइड का जो हैंडल बार है वहाँ पे स्विच मिल जाएगा, जिसको आप इसके सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं अपने राइडिंग के हिसाब से। और रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर सस्पेंशन में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। इस बाइक में क्रूजर कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल होल्ड कंट्रोल, क्विक शिफ्टर जैसे काफ़ी सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। 950S में DCL भी मिल जाता है। DCL का मतलब डुगाटी कॉर्निंग लाइट होता है। इसका बेनिफिट ये है, जब भी आप किसी मोड पर कॉर्निंग करेंगे तो जो इसका एक्स्ट्रा लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। मतलब जब भी आप कॉर्निंग करेंगे तो आपके सामने में जो कॉर्निंग के टाइम पे जो ब्लाइंड स्पॉट व्यू आता है वो अब ब्लाइंड स्पॉट व्यू नहीं रहने वाला, क्योंकि जो इसका कॉर्निंग लाइट है जब भी आप कॉर्निंग करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे इसका कॉर्निंग लाइट ऑन हो जाएगा, जिससे आपका जो ब्लाइंड स्पॉट कॉर्निंग पे मूवमेंट आता है वो ये लाइट से भर देगा। मतलब आपको कॉर्निंग पे भी काफ़ी इजी, काफ़ी अच्छा राइड मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको कॉर्निंग लाइट देखने को मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिक ऑन होता है। इस बाइक में आपको फुल्ली LED हेडलाइट देखने को मिल जाता है। टेल लाइट में भी आपको LED देखने को मिल जाएगा और इसके इंडिकेटर में भी आपको LED देखने को मिल जाता है। तो अगर अभी तक आप अगर ये इस वीडियो पे बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको इस बाइक में इंटरेस्ट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मैं इस बाइक के प्राइस को भी बताऊंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास चला जाए और आप उसको बहुत ही ईजिली तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए अब मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस बाइक में 5-inch की कलर TFT डिस्प्ले दी गई है। इस बाइक में बहुत सारे फीचर है, बट मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। डुकाटी मल्टी स्ट्रेटा 950S का मैक्सिमम डिजाइन इसके बिग ब्रदर वाले बाइक से लिया गया, मल्टी स्ट्रेटा 1260 से लिया गया। ब्रेकिंग की बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में आपको डुअल डिस्क विथ रेडली माउंटेड कैलिपर लगा हुआ मिल जाता है। रियर में आपको सिंगल डिस्क विद 2 पिस्टन कैलिपर लगा हुआ मिल जाता है। और ये दोनों बोस के ME यूनिट के 9.1 के ABS है। और इस बाइक के अगर ब्रेक्स की डायमेंशन की बात करें तो फ्रंट में 320mm का है और रियर में 265mm का है। अगर इस बाइक के व्हील्स की बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में 19-inch के व्हील देखने को मिल जाता है और रियर में 17-inch के व्हील देखने को मिल जाता है। और दोनों में, फ्रंट और रियर दोनों में, एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। अगर टायर साइजेस की बात करें तो फ्रंट में 120x70 19 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएगा, रियर में 170x60x17 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक में पेरेली स्कॉर्पियन ट्रायल 2 के टायर देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों फ्रंट और रियर ट्यूबलेस टायर होने वाले हैं। ये बाइक एक एडवेंचर टूरिंग बाइक है, तो आपको इस बाइक में इनबिल्ड ही एक विंडशील्ड देखने को मिल जाता है, जो आपको जो विंड ब्लास्ट है उसको रोकने का काम आता है। और आप इस विंडशील्ड को भी एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से अप्स एंड डाउन कर सकते हैं। 5-inch की कलर TFT डिस्प्ले में आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बेसिक स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर भी देखने को मिल जाएगा। डुगाटी मल्टी स्ट्रेटा 950S में 20 लीटर की पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है, जो 17.2 km/L का माइलेज दे देती है। इस बाइक का कार्ब वेट 232 kg होने वाला है, 232 kg कार्ब वेट इस बाइक का होने वाला है। सीट हाइट की बात करें तो इस बाइक में आपको 850mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है। व्हील बेस की बात करें तो 1594mm का व्हील बेस दिया हुआ है।
डुगाटी में 950S की कलर वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, एक जीपी वाइट एंड सेकेंड डुगाटी रेड। बट फिलहाल आपको रेड कलर में ही ये बाइक देखने को मिलेगा। इसका जो वाइट कलर है वो 2021 में देखने को मिलेगा। अगर मेंटेनेंस इंटरवल की बात करें तो आपको इस बाइक में 15,000 किलोमीटर तक का मेंटेनेंस इंटरवल का सेट किया हुआ मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक की मेन पॉइंट की कि इस बाइक का प्राइस क्या होने वाला है। तो इस बाइक का प्राइस 15,49,000 होने वाला है, एक्स शोरूम दिल्ली होने वाला है। और इस बाइक को आप अभी 1,00,000 से भी बुकिंग करवा सकते हैं और इसकी डिलीवरी जो है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आप अभी 1,00,000 से बुकिंग करवाइए, आपको 14 नवंबर के बाद से आपको बाइक डिलीवरी कर दिया जाएगा। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये थे इस बाइक के कुछ बेसिक डिटेल्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।